हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है वेडनेसडे और आज है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर है आज। तो आज छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन अभी तो फिलहाल 10:30 हो गए, मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर ही दूं। तो अभी जो है यहाँ पे बेड के ऊपर से पूरी बेडशीट सारे रूम की जो है मैंने निकाल रखी है धुलने के लिए, और उसके लिए वॉशिंग मशीन जो है वो भी। और भी ये फ्रिज में मत लटको, वो भैया की है, वो भैया की है। चलो उतरो, नहीं भैया की नहीं लेनी, आप अपनी खा चुके हो। उतरो नीचे, उतरो नीचे, डाला हुआ है। उतरो ना बेटा, नीचे गिर जाओगे। आदि दे दे इसको अपनी थोड़ी सी। तो ऐसा आप और भी पूरी खा चुके हो कल से लेके। तो सारे रूम्स की जो बेडशीट्स है वो निकाल दिए, यहाँ की बेडशीट भी मैंने निकाल दी है क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है। तो फिर मैं सोचूं कि पूरी जो क्लीनिंग है वो प्रॉपरली कर ली जाए, और भगवान की दया से आज छुट्टी भी है तो छुट्टी वाले दिन ये काम जो है और अच्छे से हो सकता है। वैसे अगर कहूँ तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, कोल्ड हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बट कोई नहीं, अब शुरू कर दिया है। शुरू और स्टार्ट मिक्स हो गया, स्टूट बन गया था, तो स्टार्ट कर दिया है तो हो जाएगा। बाकी आदि जो है इसको बोला है कि अपना बुक रैक जो है उसको प्रॉपरली सेट कर, अभी हुआ नहीं है ये प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली नहीं बोलते हैं। और ये बुक्स ना सीधी रखनी है, जो मुराकामी वाली आपने वो देखो वहाँ पे ऐसी रखी है, आफ्टर डार्क इसको सीधा रखो ताकि वो दिखाई दे ऐसे कि हाँ कौन सी बुक आपने उल्टी रखी है ना। बेटा नीचे को देखे, इसका हेडिंग नीचे को आ रही है, तोड़ दे चश्मा की जरूरत ही क्या है ना। तो ऐसा है, बाकी कपड़े जो है वो धुल चुके हैं, उर्वी के कुछ गर्म कपड़े थे जो मैं आज धो के अच्छे से सुखा दूंगी और आज क्लीनिंग करूंगी प्रॉपर्ली। बस तो प्रॉपर्ली होती है, बट फिर भी यार बच्चों वाले घर में मुझे लगता है ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं घर ऐसा फैला पड़ा रहता है नॉन, तो बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है। मैंने हर तरीका हर कोशिश जो है वो करके देख ली घर को प्रॉपर सेट रखने की, बट घर सेट नहीं रह सकता है जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक। आदि तो अभी फिर भी ठीक है, बट इसको भी फिर चीज़ें जो है बता बता के करनी पड़ती है कि ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, तो ये भी नहीं करता है। और उठ भी तो फिलहाल अभी उसको सफाई का और सेट करके रखने का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आदि ऐसे फैला के क्यों रख रहे हो आप इन नोटबुक्स को, आप इनको इकट्ठा रख सकते हो ना, जो चीज़ें मैसी नहीं रखी जा सकती उनको क्यों करना है। और इसको क्लीन भी करना है कपड़े से जी, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी ये होता है कि बच्चों को छोटे 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 टास्क ऐसे करने के लिए देते रहो घर के काम वाले, तो थोड़ा सा ठीक रहता है उनके लिए भी, अदरवाइज ये भी उसी में टीवी और इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो ये है, चलिए मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू कर, एक्चुअली बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मौसम बिल्कुल साफ साफ रह रहा है, अदरवाइज बारिश कभी भी हो जा रही है, लेकिन हवा तो आप देख ही सकते हो अभी कि कितनी हवा जो चल रही है, लेकिन हवा भी ठीक है, मतलब इससे कपड़े भी सूख जाएंगे। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, कुछ बर्तन मैंने धो के रखे थे उनको मैं फटाफट से लगा देती हूँ उनकी जगह पर, और इसके बाद मैं करूँगी गैस को पूरी तरीके से साफ। दोपहर का बज चुका है, एक और बर्तन कपड़े सारे धुल चुके हैं और बर्तन भी जितने भी थे सारे वो मैंने धो दिए हैं, अब बचा है सफाई वाला काम करने का, मतलब ये जो बेडशीट वगैरह भी छानी है, वो बेडशीट जितनी भी मैंने धोई है वो सारी की सारी मैंने सूखने डाल दी है छत पे, और दूध था बॉईल करने के लिए वो डाल दिया, गैस साफ कर दी है। बस अभी हमने क्या किया कि कुछ बनाने का ऐसा नहीं हो रहा था फटाफट से, और भूख भी लग रही थी तो फिर मैंने बनाई मैगी, तो मैगी जो है वो हमने खा ली है। और कुछ बर्तन धुल चुके हैं, कुछ धुलने हैं अभी, बच्चे अभी खा रहे हैं। ऊपर से ये है कि यहाँ पे ना फिल्टर लीक करता है मेरा, लीक नहीं करता, जब उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और उस टाइम में मम्मी आए हुए थे ना, उन्होंने ओवरफ्लो कर दिया इसको, उसकी वजह से मेरे कंटेनर पड़े होते नीचे, इसके अंदर भी पानी चला गया था, बट थैंक गॉड कुछ ऐसा ख़राब नहीं हुआ है। बट हाँ ये हुआ है कि ये जो ईयरबड्स का ये पैकेट था ना, ये पूरा इसके अंदर पानी चला गया उसकी वजह से, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा, पर चलो कोई नहीं, ये सब तो कुछ तो होता रहता है। अब मैं नहलाऊंगी उर्वी को, पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी। तो बात ऐसी है कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना यहाँ पे एक सेब की पेटी पड़ी है, एक नहीं है दो है, तो मेरा एक स्टूडेंट है जिनके अपने सेब के बगीचे हैं, तो वहीं से ये पेटी आई है। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, और पता क्या होता है ना, यहाँ पे तो जैसे एप्पल का सीज़न होता है तो फ्रेश एप्पल जैसे ही एप्पल तोड़े जाते हैं वैसे ही हम लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे एप्पल सीज़न नहीं होता वहाँ पे हो सकता है कि कोल्ड स्टोर वगैरह के जो एप्पल है वो मिलते हो। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको भी फ्रेश एप्पल ऑर्डर करने हो ना, तो मैं एक वीडियो
जो है इसमें मेंशन करूंगी इसके बाद, और उसमें ना कॉन्टेक्ट नंबर है तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये गोल्डन एप्पल है, ठीक है, ये वाले गोल्डन एप्पल है और उनके अपने बगीचे हैं सेब के, इसलिए मैं कर रही हूँ ऐसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं स्पॉन्सर्ड उसके लिए कर रही हूँ, नहीं, उनके अपने बगीचे जहाँ पे वो सेब घी और राजमा की दाल वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो उगाते हैं और उनको सेल भी करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पूरी पेटी गोल्डन की, गोल्डन की, ठीक है। तो उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जो है अपने हिसाब से कितना केजी चाहिए आपको एप्पल, है ना, या लेयर्स के हिसाब से होता है, केजीज के हिसाब से होता है, तो वैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है दूसरी पेटी, मैंने अभी तक ओपन नहीं की है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेटी पड़ी हुई, तो फिर मैंने ये अभी ओपन नहीं की है क्योंकि उससे पहले भी मैंने एप्पल जो है वो मंगाए थे। आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके से है ये, तो ये तो सिंगल लेयर है ना ये एप्पल की। तो आप चाहे तो अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं वीडियो मेंशन करूँगी, वो मेरे स्टूडेंट ने मुझे वो वीडियो दिए उनके अपने सेब के बगीचे, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेड रॉयल है, ये देखो अभी ना इस पर इस तरीके से करोगे तो एक्चुअल में पता चलता है, ये देखो है ना। तो ये रहे एप्पल, तो मैंने तो सिंगल लेयर है, देख सकते हो आप, ये ना मैं वीडियो मेंशन करूंगी, उसी में एक कॉन्टेक्ट नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि आपको एप्पल चाहिए। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक वो आपको फ़ोन पे बता देंगे अगर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कैसे करना है, गूगल पे करना है कि कैसे, तो वो कुरियर करते हैं एप्पल, ठीक है, वो एप्पल आपके घर तक पहुँच जाएंगे, बस आपको अपना एड्रेस देना होगा। तो ये है, तो अगर फ्रेश एप्पल किसी को चाहिए, क्योंकि अभी ना सेब का सीज़न चला है, अभी तोड़े जा रहे हैं सेब बगीचे से, ठीक है। तो ये है गोल्डन एप्पल है ये, और कुछ उनके पास आई थिंक शुगर फ्री एप्पल्स भी होते हैं, जो अगर मतलब कोई डायबिटिक है या कुछ ऐसे, तो शुगर फ्री एप्पल भी है, वो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो मेंशन कर देती हूँ आगे, तो आप चेक कर लो, आप ही ऑर्डर कर सकते हो। बाकी सेब की जो क्वालिटी है वो तो मैंने आपको दिखाई दी। ये रेड रॉयल है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के एप्पल्स हैं, बाकी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाएंगे, सिंगल लेयर चाहिए तो सिंगल भी मिल जाएंगे, और कोई चीज़ फ्रेश मिल रही हो आई थिंक उससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। कोल्ड स्टोर के एप्पल खाने से अच्छा है कि आप जो है ये एप्पल ऑर्डर कर दो। ये देखो ये गोल्डन एप्पल होता है, पहले ये ग्रीन होता है लेकिन पकने के बाद ये इस तरीके से गोल्डन हो जाता है, तो ऐसा ऐसा है, तो चेक कर लेना आप ना, मैं मेंशन कर दूँगी। तो चलो देख लो आप वीडियो, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ किचन, वो भी सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत वही चेंज हुई है, बाकी बर्तन तो और ज़्यादा निकलते जा रहे हैं धुलने के लिए। ये देखो अब इतने सारे हो गए, ये सारे तेल वाले जो डब्बे हैं वो हो गए, बाकी यहाँ वाला हो गया सेट सब कुछ, और ये फिल्टर वगैरह मैंने इधर को कर दिया। टेबल मेरी टूट गई बीच में से क्योंकि इसमें पानी रिस रहा था इतने दिन से, इसमें बीच में हो चुका है छेद। हाँ आप क्या चाहिए आपको, आप पढ़ने बैठ जाओ। पहले सोचा था कि उर्वी को मैं नहलाऊंगी फिर इसको सुलाऊंगी, बट ये उससे पहले ही सो गई, पर मेरी अपनी हालत खस्ता हो गया। सोचूं फटाफट से दूसरी चादर बिछाऊं या चादर जो सूख गई होगी छत पे उन्हीं को लाके उन्हीं को बिछा देती हूँ, वही ठीक रहेगा। अब थक गई, किचन देखो अभी भी प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, हो रहा है फिर भी प्रॉपरली नहीं हुआ है, अभी बर्तन वगैरह रह गए धोने के लिए, वो दूंगी, चादरें बिछा देती हूँ, पहले बेड वाला काम कर देती हूँ फिर उसके बाद करूँगी फर्श का काम। पंखे तो जितना मर्जी साफ करो ये नो यूज़, इनमें तो ऐसा हुआ है जैसे ये बरसों बरसों सदियों से वाला जो चिपक गया है ना कूड़ा वो निकलता नहीं है, क्योंकि ये पुराने पंखे हैं ना पहले से ही लगे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ दूसरे रूम में जहाँ पे आदित्य और उसके पापा सोते हैं वो वाला पंखा एक क्लीन है क्योंकि वो हमने यहाँ आने के बाद लगवाया था इसलिए। बाकी ये जो पहले के पंखे हैं इनको जितना मर्जी क्लीन करो, बल्कि एक दिन मैंने उससे गीले कपड़े से भी किए थे, हल्के हल्के सोते प्रॉपरली, उतने ज़्यादा नहीं हो पाता।
नवरात्रि का सामान भी लाना था, पर पता नहीं आज नीरज आज भी ऑफिस गए हैं, उनकी ब्रांच शिफ्ट होनी है तो वो उसको शिफ्ट वगैरह आई थिंक उसमें बिजी होंगे, तो मुझे नहीं लगता वो आज आ पाएंगे। और आज वैसे भी धर्मशाला में कार्निवाल में सतिंदर सरताज आने वाला है, देखते हैं। मन तो था जाने का, नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। ऐसे नॉर्मल डेज पे देखो ना तो कोई भी काम समझ नहीं आता है कि काम है कि नहीं है, लेकिन जब करने लगो तो इतने सारे काम निकल आते हैं कि पूरा का पूरा जो दिन है वो भी चला जाए तो भी काम ख़त्म ना हो। तो इस रूम की जो दीवारें हैं ये तो उर्वी ने फिलहाल ख़राब कर ही दी है, लेकिन मेरा काम है बेड जो है उसको सेट करना। तो फटाफट से जो है बेड, उसकी बेडशीट जो है मैंने चेंज करी है। हाँ, मैंने बेडशीट थोड़ी सी शफल कर दी है इधर उधर। फिलहाल इस वाले बेड पर भी मैंने बेडशीट बिछा दी है, ये पहले मैंने इन दोनों के रूम में थी पर लेकिन धो के फिर मैंने इस बेड पे बिछा दी। मुझे ना इसकी बहुत वो लगती है, लाइट कलर है ना, बहुत सुंदर लगता है। बड़ा मुझे ना इसका एक ही पिलो कवर मिल रहा है तो फिर मैंने अलग ही पिलो कवर वाले मतलब पिलो पे अलग कवर चढ़ा दिए, ऐसे सेम नहीं चढ़ाए हैं। पर अभी गंदगी बहुत डली है, डली नहीं है पड़ी है, ये भी उठ चुकी है। आई एम सॉरी। यहाँ पे मैंने ये लाइट कलर की बेडशीट बिछा दी बार वाले बेड पे, ये पढ़ने के लिए बैठा है। ये कपड़े जो धुल के आए थे ये वाले नहीं, ये भी धुले हुए हैं बट ये तय नहीं लगाए, ये तय लगा के रखती हैं। ये गद्दा उठा के अंदर रखता है, ये आदित्य ने अपना टॉवल यहीं पे नहा के यहीं पे वो कर दिया है। और ये मेरी मछली है, मछली हो आपकी तितली हो क्या हो आप, अच्छा बंदरी, ठीक है। बर्तन तो मैंने अभी भी नहीं धोए हैं, मैंने सोचा पहले ये बेड वगैरह वो कर लेती हूँ, और ये भी कर दिया मैंने यहाँ पे। ये मेरे शू का लेस पड़ा हुआ है जो मेरे को भी लगाने हैं उसमें, एक इसमें और एक लॉन्ड्री बास्केट में पड़ा हुआ है। और ये है नया नया पेंट करने के बाद के हमारे हाल, बट मैं भी क्या करूँ यार, क्या क्या संभालूँ, क्या क्या करने से रोकूँ। बट ये सफाई करते हुए निकला तो इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये तनु गए उसको उर्वी ने वो किया है, पेंट किया है तनु की फोटो पे। अब मैं इस बेड का जो ब्लैंकेट है उसको रख देती हूँ, सारे ना मैंने ऐसे नीचे वो किए थे उस टाइम पे फेंक दिए थे, अब उठाती हूँ इनको रखती हूँ ऊपर फिर करती हूँ सफाई। पर पहले मैं सोचूँ कि उर्वी को नहला लूँ फिर करती हूँ काम, क्योंकि इसको नहलाया नहीं आज मैंने और गर्मी इतनी ऐसी चिपचिपाहट लग रही है, मुझे खुद को ही लग रही है तो इसको भी लगी रही होगी। और ये सो के भी उठ चुकी है, लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि अच्छी खासी धूप की जो है बाहर से लाइट इनफ है हमारे रूम में। जुकाम आ रहा है, सर्दी हो रही है, एक तो डस्ट से एलर्जी होती है वो अलग, बट मुझे वैसे ही हो रही है, मतलब वैसे ही जुकाम आ रहा है क्योंकि मौसम ऐसे हो रहा है, कभी एकदम ठंडा हो रहा है, कभी गर्म, दिन में गर्मी है शाम के टाइम ठंडा है, ऐसा है फिलहाल यहाँ का मौसम। किसकी ने बोला था, ये रही मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस रेडी हो गई है, बस अभी नहा के आई है, बाल कंघी नहीं किए, थोड़ा पीछे जाओ दिखाओ अपना लुक, बाल दिखा रही, थोड़ा पीछे जाओ, वाह उर्वी तो रेडी है। कहाँ जा रहे हो आप, घूमने? कहाँ घूमने? किसने कहा? मम्मा ने। नमस्ते कर दो, राधे राधे कर दो सबको। नमस्ते राधे राधे, जय श्री राम, हरि बोल, जय जय कृष्ण जी, बोल दिया। तो ये मैंने इसको फ्रॉक पहना दी है और नीचे से मैंने इसको ये पहना दिए जेगिंग सी, और अब इसकी कंघी करनी है ना, लाओ बाल खोल दूँ। अब ये मैंने इसलिए बांधे थे क्योंकि बाथरूम से लेके आई थी ना, फिर कपड़े पहनाओ तो फिर सारे पानी गिरता है गिला गिला। और मुड़ो पीछे एक मिनट, मैंने अपनी रबर बैंड लगा दी थी इसको। लो थोड़ी देर बाल सूखने दो। छोटे रोबोट है ऊपर। हाँ छोटे छोटे रोबोट है ऊपर, वो लगा। अच्छा ठीक है, अभी पहले बाल सूखने दो, बैठ जाओ नीचे आराम से, ठीक है बाल सूखने दो, फिर आपको मैं शू पहनाती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊंगी अब, ठीक है ओके। क्रीम लगा दूँ आपको? ओके। मुझे टांगों पे मच्छर काट रहे हैं। हाँ तभी पहन आया है मैंने, अपनी काटेंगे मच्छर, ठीक है। एक उर्वी यहाँ पे, एक उर्वी वहां पे,
है ना, एक हैंड पे, एक हैंड पे। हाँ, अब तो मैंने उर्वी को रेडी कर दिया, इसको मैंने शू भी पहना दिए। शूज किसने पहने, उर्वी ने पहने कि मम्मा ने पहने? थोड़ी देर यहीं रहो धूप में ना, इस रूम में धूप आ रही है। दिखाओ इधर अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा। ये तो मेरी राधा रानी है, मेरी राधा रानी है, क्यूट क्यूट ब्यूटीफुल प्रिंसेस। मम्मा मैंने ऑटोमोच लगाई है। अब नहीं लगाना ठीक है, होती है टिटिंगी टिंगी कर दो, टिंगी। तो जी अब लगे हम निकलने कार्निवाल के लिए, और इस तरीके से हुआ हमारा संडे खत्म। यहाँ पे ये पूरा क्लीन हो चुका है, सॉरी संडे नहीं पर छुट्टी, संडे निकलता है, मेरे को छुट्टी लगता है संडे को ही होती है, तो मेरे मुंह से संडे निकलता है। तो ये रूम जो है ये रेडी है, ये इसने फैलाया है आधे इतने पढ़ने के लिए। और भी छोड़ दो स्केच, अब छोड़ दो। और इस लड़की को बेडशीट मिलती है तो बेडशीट पे स्केच करने लग जाती है। और ये रही किचन, क्लीन है। और एक ये वाला रूम, ये भी क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, झाड़ू भी लगा दिया मैंने। ये डंडे और ये इसका वो है किचन सेट, तो ये नीचे रहता है ऐसे। ये हो गया रेडी। और ये वाला जो रूम है इस पे मैंने कपड़ों की तय करके रखी है, वीडियो शूट करनी थी मुझे, उसके लिए ट्राइपॉड रखा है। और इसने अभी एप्पल खाया तो प्लेट है, अब आके उठाऊंगी, बाकी तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एप्पल की दूसरी पेटी पड़ी हुई है मेरी। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो रहने दो, फिर उतार दो, तो क्रॉक्स ही पहन ले फिर। एक तो पहन लिया तूने, कहाँ चुभ रहा है अंगूठा, उतार दे फिर। पूरा ही पैर चुभ रहा है। हाँ बेटा, ये जूते तो तूने मेरे से बस पैसे खर्च करवाए हैं इनके लिए। मैंने तो आपने खरीदे थे, आपने आपने डिमांड की थी ना कि मुझे ये चाहिए, क्यों तो फिर ये तो भैया को छोटे छोटे लग रहे हैं। तो फिलहाल जो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे अब एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। इनको खिलाऊंगी वहां पे सीधू, उरू चले अब, चलो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी आज की छोटी सी, बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोज देखते रहिए, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए।